नमस्कार, आज हम बात करेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका के भौतिक स्वरूप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चात विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चात विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का विस्तार उत्तर में आर्कटिक सागर से लेकर दक्षिण में पनामा जलडमरू तक है, यानी उत्तर में आर्कटिक सागर से लेकर दक्षिण में पनामा जलडमरू तक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का विस्तार है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अगर चारों ओर स्थित सागरों या महासागरों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में आर्कटिक सागर है, जबकि इसके पूर्वी भाग में अटलांटिक सागर है तथा इसके पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर, यानी इसके नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में तो आर्कटिक सागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, यानी उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को जो अलग करने वाली जल संधि है वह है बेरिंग जल संधि, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में पनामा जल संधि है जो कि इसे दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों की, भूआकृतिक प्रदेशों की। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एक विशाल क्षेत्र है, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एरिया बहुत बड़ा है, इस कारण यहाँ पर भौगोलिक विविधताएँ देखने को मिलती है। अगर धरातलीय दृष्टि से उत्तरी अमेरिका की बात करें तो धरातलीय दृष्टि से हम उत्तरी अमेरिका को चार भूआकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है रॉकी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है अमेरिका का विशाल मैदानी प्रदेश या विशाल मैदानी प्रदेश, तीसरा है अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश और चौथा है तटीय मैदान। यानी भूआकृतिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हम चार भागों में बांट सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है रॉकी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है अमेरिका का विशाल मैदानी प्रदेश, तीसरा है अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश और चौथा है तटीय मैदान। अब एक एक करके हम इन चारों भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉकी पर्वतीय प्रदेश की। उससे पहले हम ये मैप में देख लेते हैं इन भूआकृतिक प्रदेशों को। इस मैप में जो पश्चिम में है वो तो है रॉकी पर्वतीय प्रदेश, जबकि जो मध्यवर्ती भाग है वह है मैदानी प्रदेश और इसका उत्तर में जो भाग है वो है कनेडियन शील्ड और इसके दक्षिण पूर्व में जो भाग है वो है अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दोनों ओर यानी पूर्व और पश्चिम में जो तटीय भाग है वह तटीय मैदान प्रदेश। अब हम बात करते हैं रॉकी पर्वतीय भूआकृतिक प्रदेश की। रॉकी पर्वतीय भूआकृतिक प्रदेश यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है और यह उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है, यानी रॉकी पर्वत एक नवीनतम पर्वत है, नवीनतम वलित पर्वत है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है और उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। इस पर्वतीय प्रदेश में अनेक मोड़, माखन और तंग घाटियाँ और दरारें भी देखने को मिलती हैं, यानी रॉकी पर्वतीय प्रदेश में अनेक मोड़, माखन और ढलान वाली घाटियाँ तथा दरारें भी देखने को मिलती हैं। और पश्चिमी जो पर्वत श्रृंखला है उसे दो भागों में बांट सकते हैं, पहला है पूर्वी श्रेणी जिसे कि रॉकी पर्वत कहते हैं और दूसरी है पश्चिमी श्रेणी जिसे कि प्रशांत महासागरीय पर्वत श्रेणी कहते हैं। यानी पश्चिम में जो पर्वत श्रृंखला है उसे दो भागों में बांट सकते हैं, पहली है पूर्वी श्रेणी जिसे कि रॉकी पर्वत के नाम से जाना जाता है और दूसरी है पश्चिमी श्रेणी जिसे कि प्रशांत महासागरीय पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागरीय पर्वत श्रेणी प्रशांत महासागर तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है और इस पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में हमें अनेक तटीय पर्वत, सियरा नेवादो और कॉस्कर पर्वत श्रेणियाँ भी देखने को मिलती है। सियरा नेवादो श्रेणी पूर्वी कैलिफोर्निया तथा पश्चिमी नेवादा राज्यों में फैली हुई है, यानी जो सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी है वो पूर्वी कैलिफोर्निया और पश्चिमी नेवादा राज्यों में फैली हुई है तथा प्रशांत महासागर के समानांतर फैली हुई है।
जबकि कास्केड श्रेणी है वह कैलिफोर्निया से लेकर अलास्का तक फैली हुई है। रॉकी पर्वत श्रेणियाँ प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर के जल प्रवाह के लिए जल विभाजक का भी काम करती है, यानी रॉकी पर्वत श्रेणियाँ हैं वो प्रशांत महासागर के जल प्रवाह के लिए जल विभाजक का भी कार्य करती है। और रॉकी पर्वतीय प्रदेश का अधिकांश भाग शुष्क जलवायु वाला होता है और यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। और अगर खनिजों की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर सोना, चांदी आदि धात्विक खनिज मिलते हैं या आदि इन खनिजों की उपलब्धता यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे भूआकृतिक प्रदेश यानी अमेरिका के विशाल मैदान के बारे में। तो यह अमेरिका का विशाल मैदानी प्रदेश अपलेशियन और रॉकी पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है और उत्तर में यह मैकेंजी नदी के डेल्टा से लेकर दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी तक फैला हुआ है। यानी जो अमेरिका का विशाल मैदानी प्रदेश है वह उत्तर में मैकेंजी नदी से लेकर नदी के डेल्टा से लेकर दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी तक फैला हुआ है। और इस विशाल मैदान को चार भागों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहला है कनेडियन सिल्ड, दूसरा है आंतरिक निचला मैदान, तीसरा है जलोढ़ द्वारा बना मैदान और लास्ट चौथा है अटलांटिक महासागर का तटीय मैदान। यानी उत्तरी अमेरिका के दूसरे भूआकृतिक प्रदेश यानी विशाल मैदानी प्रदेश को चार भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है कनेडियन शील्ड, दूसरा है आंतरिक निचला मैदान, तीसरा है जलोढ़ द्वारा बना मैदान और चौथा है अटलांटिक महासागर का तटीय मैदान। इस मैदानी प्रदेश में मैकेंजी, मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और ये नदियाँ, इनमें से मैकेंजी नदी का बेसिन उत्तरी अमेरिका के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। यानी जो मैकेंजी नदी है वो मैदानी भाग के उत्तरी भाग में स्थित है या उधर से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के तीसरे भूआकृतिक प्रदेश यानी अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश के बारे में। उत्तरी अमेरिका का तीसरा प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश है अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश। यह एक जटिल भूआकृतिक वाला प्रदेश है। यहाँ पर जो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है वह वर्तमान में जगह जगह से खंडित हो गई है, यानी यह कटी फटी हुई देखने को मिलती है। जहाँ प्रारंभ में अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश की ऊंचाई अधिक थी वह आज अपरदन से कम हो गई है और इसकी ऊंचाई आज 900 से 1800 मीटर तक ही रह गई है। यानी प्रारंभ में जहाँ अपलेशियन पर्वत की ऊंचाई अधिक थी वह वर्तमान में अपरदन के कारण कम होकर 900 से 1800 मीटर तक रह गई है। इसका विस्तार उत्तर में, अगर हम बात करें अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश के विस्तार की, तो इसका विस्तार उत्तर में न्यूफाउंडलैंड द्वीप से दक्षिण की ओर ओकलाहामा तक है और पश्चिम में अरकनसास से लेकर अलबामा पर्वतीय प्रदेश तक फैला हुआ है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी के पश्चिम में केम्बरलैंड पठार है तथा पूर्व में पिडमोंट पठार है। यानी अपलेशियन पर्वत श्रेणी के पश्चिम में तो केम्बरलैंड पठार है जबकि पूर्व में पिडमोंट पठार है। और हडसन मोहावक मार्ग द्वारा अपलेशियन पर्वत उत्तरी तथा दक्षिणी अपलेशियन में विभाजित होता है। और पिडमोंट पठार से अनेक नदियाँ प्रवाहित होती है जो कि अनेक जलप्रपात भी बनाती है, जिनसे कि जल विद्युत का उत्पादन भी होता है। इस अपलेशन पर्वतीय प्रदेश में कोयला, सीसा, सोना, जस्ता, लोहा, तांबा आदि खनिजों के भंडार भी मिलते हैं। यानी यहाँ पर कोयला, सीसा, सोना, जस्ता, लोहा आदि खनिजों का उत्पादन किया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तटीय चौथे भूआकृतिक प्रदेश यानी तटीय मैदान की। तो तटीय मैदान क्षेत्र तटीय मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई बहुत कम होती है। और अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के तटीय मैदानी प्रदेश की, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तटीय मैदानी प्रदेश हमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी भागों में देखने को मिलते हैं। पूर्वी भाग में तो ये हमें अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेश में देखने को मिलते हैं, जबकि पश्चिमी भाग में ये
प्रशांत महासागर के तटीय प्रदेश में देखने को मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो तटीय मैदानी प्रदेश है वह उत्तर व पूर्व में तो संकरे हैं तथा दक्षिण पश्चिम में चौड़े हैं। यानी उत्तरी अमेरिका का जो तटीय मैदानी प्रदेश है वह उत्तर पूर्व में संकरा तथा दक्षिण पश्चिम में चौड़ा है। इन तटीय प्रदेशों में तेल व गैस का खनन किया जाता है या इनके तेल व गैस के भंडार भी मिलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने बात की उत्तरी अमेरिका के भौतिक प्रदेशों की। थैंक यू।